नमस्कार, मैं नवनीत कौर शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 7 के अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति में से लिया गया है। प्रायोगिक ज्यामिति में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है रेखाखंडों की रचना, कोणों की रचना, कोण समद्विभाजक किस प्रकार से खींचे जाते हैं और लंब समद्विभाजक किस प्रकार से खींचे जाते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोणों की रचना एक बार फिर से करेंगे कि कोणों को प्रकार की मदद से और डी की मदद से किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम करेंगे कि एक रेखाखंड के समांतर दूसरा रेखाखंड किस प्रकार से खींचा जाता है। उसके पश्चात तीसरे हिस्से में हम करेंगे कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ त्रिभुजों के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कोणों की रचना से कि कोणों की रचना किस प्रकार से की जाती है, उसको एक बार दोहरा रहे हैं हम फिर से। तो देखते हैं, सबसे पहले 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का कोण। तो बच्चों, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आरंभिक बिंदु लेंगे। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पश्चात आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर अर्धवृत्त से बड़ी चाप लगाएंगे। आप देख रहे हैं, हमने कुछ त्रिज्या ली, प्रकार ओपन की और एक अर्धवृत्त से बड़ी चाप लगाई। अब नेक्स्ट आप देखिए, पी को केंद्र मानकर हमने 60 डिग्री की चाप लगाई उतनी खुली प्रकार से, यानी उतनी ही त्रिज्या से। इस बिंदु को हमने नाम दिया S और इसको मिला दिया आरंभिक बिंदु से, तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। इसके पश्चात S बिंदु को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या यानी उतनी खुली प्रकार से नेक्स्ट चाप लगाएंगे। ये सबसे पहली चाप को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को नाम देंगे हम N। N को प्रारंभिक बिंदु से मिला देंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। इसके पश्चात यदि हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है तो हम N को केंद्र मानेंगे और उतनी खुली प्रकार से एक चाप लगाएंगे, यानी उतनी ही त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे, जो सबसे पहली चाप को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करेगी। T को आरंभिक बिंदु से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री का कोण। बच्चों, इसके पश्चात हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। हम फिर से दो अंत बिंदु ले रहे हैं। अब आप देखिए, इस बिंदु को केंद्र माना और उतनी त्रिज्या यानी उतनी खुली प्रकार से चाप लगाई, 60 डिग्री वाली चाप। उसके बाद इस बिंदु को अंकित किया जो जहां पे ये पहली चाप को प्रतिच्छेद कर रहा था। अब S को केंद्र मानकर हमने दूसरी चाप लगाई और इस बिंदु को अंकित किया हमने, इसको नाम दिया N और उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी ही त्रिज्या से इस चाप को दूसरी चाप से काटा। तो ये जिस बिंदु पर दोनों चापें प्रतिच्छेद कर रही हैं उसको अंकित किया और नाम दिया P। P को मिलाया आरंभिक बिंदु से, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। बच्चों, इसके पश्चात हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। ये था 90 डिग्री का कोण, अब हम बनाने जा रहे हैं 45 डिग्री का कोण। तो इसके लिए हमें 45 यानी तो इसके लिए हमें 90 का आधा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, हमने एक बिंदु D अंकित किया और उतनी खुली प्रकार से हमने इस कोण का आधा किया, 90 का आधा किया। ये चाप 60 वाली चाप को जहां काट रही है उस बिंदु को अंकित किया और उसको O नाम दिया और O को आरंभिक बिंदु से मिला दिया। तो बच्चों, ये चेक कर सकते हैं आप, ये बन गया 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण। इसके दो बराबर हिस्से हुए हैं, दोनों 45 45 डिग्री है। इसके पश्चात बच्चों,
अब हम करेंगे 75 डिग्री का कोण। इसके लिए हम फिर से दो अंत बिंदु लेंगे और उनको स्केल की मदद से मिलाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, फिर आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त से बड़ी चाप लगाएंगे। इसके पश्चात आप देख रहे हैं हमने इस बिंदु को केंद्र माना और उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। इस चाप को हमने अंकित किया। उसके पश्चात आप देख सकते हैं एस को केंद्र मानकर हमने दूसरी चाप लगा दी। हम बच्चों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण फिर से बना रहे हैं। हम इसको आरंभिक बिंदु से ज्वाइन करेंगे यानी मिला देंगे। अब 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री की चाप और 60 डिग्री की चाप यानी अर्धवृत्त से बड़ी चाप पर 90 डिग्री कहां बन रहा है उस बिंदु पर हम अंकित करेंगे। आप देख सकते हैं अर्धवृत्त से बड़ी चाप पे ये 90 डिग्री का बिंदु यहां पर आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चाप को मिला रहे हैं उस चाप से जो 60 डिग्री की यानी एस बिंदु पर रखी हुई प्रकार से चाप खींची गई थी उससे। तो ये बन गया 75 डिग्री का कोण। आप इसे डी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ये 75 डिग्री का कोण ही आएगा। इसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे 60 डिग्री का आधा कोण 30 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो फिर से हम दो अंत बिंदु ले रहे हैं, उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं स्केल के साथ। तो ये एक रेखाखंड मिल रहा है, आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो अर्धवृत्त से बड़ी है। उसके पश्चात पी को केंद्र मानकर 60 डिग्री की चाप लगाई और उस पर बिंदु अंकित किया जहां पे ये दो चापें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसको केंद्र मानकर उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी ही त्रिज्या से एक चाप लगाई जो पहली चाप को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको हमने नाम दिया N। N को आरंभिक बिंदु से मिला दिया। तो बच्चों ये बन गया 30 डिग्री का कोण। बच्चों अब हम बनाने जा रहे हैं 30 का आधा यानी 15 डिग्री। तो हम देखेंगे अर्धवृत्त से बड़ी चाप पे 30 डिग्री कहां पे अंकित है। हमने उसको अंकित किया, फिर उतनी खुली प्रकार से चाप लगा दी 60 डिग्री वाली चाप को जहां हमने बढ़ाया हुआ है उससे। अब इनको आप अंकित करेंगे, ये दोनों चापें जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इनको मिला देंगे प्रारंभिक बिंदु से। तो ये बन जाएगा 15 डिग्री का कोण। अब हम बनाने जा रहे हैं डी से कोण। सबसे पहले हम लेंगे 70 डिग्री का कोण। हम डी लगा रहे हैं प्रारंभिक बिंदु पर, फिर हम 70 डिग्री का कोण देख रहे हैं डी पे कहां है उसको मार्क कर दिया और स्केल की मदद से हमने इसको मिला दिया। तो ये बन गया 70 डिग्री का कोण। बच्चों इसके पश्चात हम बनाएंगे 50 डिग्री का कोण। हम फिर से एक लाइन ले रहे हैं, एक रे ले रहे हैं, इसमें आरंभिक बिंदु पर डी रख रहे हैं। बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि हम जीरो से आरंभ करते हुए 180 तक जा रहे हैं। देखिए नीचे स्केल में दे रखा है जीरो से लेके 180 तक का स्केल, और इसमें हम ढूंढ रहे हैं कि 50 डिग्री कहां पे आ रहा है। तो देखिए ये 50 130 के नीचे 50 है, तो हम ये 50 की सीध में मार्क कर रहे हैं। तो ये हमने यहां पे बिंदु लगा दिया 50 की सीध में, और इसको हम मिला देंगे स्केल से, एक किरण खींचेंगे। तो ये बन जाएगा 50 डिग्री का कोण। बच्चों इसके पश्चात हम बनाएंगे 137 डिग्री का कोण। आरंभिक बिंदु पर डी रख रहे हैं और हम देख रहे हैं 137 डिग्री कहाँ आ रहा है। देखिए 137 डिग्री यहाँ 130 और 140 के बीच में, देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है इसको 137 डिग्री को।
तो ये आ गया 137 डिग्री का कोण, इसके पश्चात 70 डिग्री। बच्चों पहले भी हमने 70 डिग्री बनाया था, अब ये 70 डिग्री हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो आप देखिए स्केल जो हम पढ़ रहे हैं ये इस तरफ से पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, ये 70 पे आ गए हैं। अब इसमें हम ऊपर वाला स्केल देख रहे हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हुए 70 पे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 इधर से स्टार्ट हुआ, तो ये आ गया 70 डिग्री का कोण। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं कि यदि हमें एक रेखाखंड या रेखा दी हो तो उसके समांतर हम अन्य रेखाखंडों की रचना या रेखा की रचना किस प्रकार से करते हैं। तो आप देख सकते हैं आकृति में हमने दो अंत बिंदु लिए, उनको हम मिला रहे हैं बिंदु O और बिंदु P को, और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, हम एक रेखा ले रहे हैं। इसके पश्चात इस रेखाखंड से अतिरिक्त एक बिंदु A ले रहे हैं, हमने A से होती हुई समांतर रेखाखंड खींचना है, तो हम A और P को मिला रहे हैं। बच्चों अब P को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर हम एक चाप लगाएंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं हमने कुछ त्रिज्या ली, हमने यहां बिंदु अंकित कर दिया कि इतनी त्रिज्या हम ले रहे हैं, सी तक, पी से सी तक त्रिज्या ली और हमने ये चाप लगाई। उसके पश्चात उतनी त्रिज्या लेकर या उतनी खुली प्रकार से बिंदु ए को केंद्र मानकर हम फिर से एक चाप लगाएंगे उतनी ही त्रिज्या लेकर। बच्चों इसके पश्चात हम बिंदु अंकित करेंगे क्योंकि हमें इसको मापना है, तो हम जो पहली चाप है वो PA को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसको नाम देंगे बिंदु B, और दूसरा बिंदु आ गया हमारे पास बिंदु D। अब B और C को हम माप लेंगे कितना है और यहां पे एक चाप लगाएंगे उतनी खुली प्रकार से, यानी उतनी ही त्रिज्या लेकर D को केंद्र मानकर एक दूसरी चाप लगाएंगे और इस बिंदु को अंकित करेंगे। अब हम इस बिंदु P को A से मिला देंगे। बच्चों इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि ये दो कोण बराबर आएंगे और ये दो रेखाखंड जो आए हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? ये कोण जो है इस कोण के बराबर है क्योंकि हमने इनकी त्रिज्या माप के लिए है और हमने ये चापे बराबर लगाई हैं। आप D से इसको मेजर कर सकते हैं, दोनों के दोनों कोण बराबर आएंगे, तो ये एकांतर कोण हुए, तो इसलिए दोनों रेखाखंड समांतर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों रेखाखंड समांतर आ चुके हैं। बच्चों आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एक रेखाखंड के समांतर दूसरा रेखाखंड खींचा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुजों की रचना के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और त्रिभुजों के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे त्रिभुजों से रिलेटेड, त्रिभुज की रचना कीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए या एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुजों के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेंगे भुजाओं के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। उसके पश्चात समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होती। बच्चों इसके बाद है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज, इसमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें रचना में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में
रचना किस प्रकार से आती है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो इसमें एक भुजा दी होगी, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो इनकी रचना हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों, हम एक रफली आकृति बना रहे हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं। बच्चों रचना करने से पहले आप हमेशा एक रफ आकृति बनाएंगे जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें रचना किस प्रकार से करनी है और रचना आसान भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ आकृति बनाया करेंगे। तो ये थी समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। उसके पश्चात समद्विबाहु त्रिभुज की रचना, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी समान भुजा 4 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 70 डिग्री हो। बच्चों ये हम रचना नहीं कर रहे, हम एक रफ आकृति बना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर लिया, फिर हमने आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर डी की मदद से 70 डिग्री का कोण बनाया और उसके पश्चात इसको मिला दिया और यहां पे हमने 4 सेंटीमीटर का दूसरा रेखाखंड लिया। तो ये इसमें देखिए आप दो भुजाएं बराबर आ गई, आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि आपने दोनों रेखाखंड जो हैं बराबर, दोनों भुजाएं हैं जो बराबर हैं वो किस प्रकार से लेनी है और उनके बीच कोण किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट बच्चों विषमबाहु त्रिभुज, आपको पता है इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसकी तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इनकी रफ आकृति हम बना रहे हैं इस तरह से ताकि आपको रचना करनी आसान रहे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं रफ आकृति किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण होगा यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज, बच्चों समकोण त्रिभुज की रचना के लिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिस एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद यानी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है या लंबा है। तो बच्चों इस तरह से हम एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। बच्चों इसके पश्चात हम देखेंगे कि किन किन कंडीशंस में त्रिभुज की रचना संभव है, यानी त्रिभुज की रचना के लिए हमें क्या क्या दिया होना जरूरी है। सबसे पहले है एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हो तो त्रिभुज की रचना हो सकती है। तीन भुजाएं दी हो तो आप रफली आकृति बना के देख सकते हैं कि ये त्रिभुज बन सकता है। उसके पश्चात नेक्स्ट त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो भी त्रिभुज की रचना संभव है। इसके बाद त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच की भुजा दी हो तो भी त्रिभुज संभव है, उसकी रचना संभव है। इसके बाद है समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक पाद दिया हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमें पता है हम कोण 90 डिग्री का लेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे किन किन कंडीशंस में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। फर्स्ट यदि त्रिभुज के तीन कोण दिए हों, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो हमारे पास, यानी और कोई भाग ना दिया हो, कोई भुजा ना दी हो, तो हम कोण कहाँ बनाएंगे। यदि हमारे पास कोई भुजा ही नहीं है तो हम कोण कैसे बना सकते हैं, तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। त्रिभुज की दो भुजाएं दी हों तब भी संभव नहीं है, या तो कोई कोण पता होना चाहिए या तीसरी भुजा होनी चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक ना हो यानी कम हो तो भी त्रिभुज असंभव है। इसके पश्चात त्रिभुजों के कुछ गुण, बच्चों सबसे पहले एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है,
इसके पश्चात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि कोणों की रचना किस प्रकार से की जाती है और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि एक रेखाखंड के समांतर अन्य रेखाखंड किस प्रकार से खींचा जाता है और उसके साथ त्रिभुजों के गुणधर्म और त्रिभुजों की रचना किस किस कंडीशन में संभव है और कब कब संभव नहीं है। आशा करती हूँ आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और इसका घर पे भी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।